नमस्कार, मैं राधा वासनी, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार न्यूज चैनल। आज मैं खारिया गांव में प्रधान जी के यहां उपस्थित हूं। प्रधान जी से कुछ विकास को लेकर बात करेंगे, कुछ समस्याओं को लेकर बात करेंगे। पहले प्रधान जी का परिचय दीजिए। प्रधान जी का परिचय दीजिए। कुंवर बाप सन ऑफ श्री रामस्वरूप, ग्राम पंचायत खंडिया, वैसे निजी काम से बुलवा रहे। तो प्रधान जी, आपको जनता से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? अच्छा समर्थन मिला, बहुत बढ़िया। शायद ब्लॉक पे वोटों के आधार पे सबसे पहले नंबर मिले। कितनी वोटों से जीते गए आप? 321। 321 वोटों से जीत। तो प्रधान जी बढ़िया, बहुत अच्छी जीत हुई आपकी। तो प्रधान जी, जैसे कि आप प्रधान पद पर आए, तो आपने क्या क्या विकास करा दिया? तो सर्वप्रथम तो जो पंचायत भवन पुराना बना हुआ था, तो उसका बाउंड्री वॉल, टाइल और नल और लैट्रिन, बाथरूम और सोखते गड्ढे बड्ढे को तैयार कराए, कंप्लीट बताई बताई से। तो नल आपने कितने नल लगवाए? नल हमने लगवाए चार। चार नल लगवाए, तो कहाँ कहाँ लगवाए थे? तीन खाड़िया, एक सोलह। अच्छा, रिबोरिंग। तो और क्या क्या कराया प्रधान जी? उसके बाद जी वैसा गड्ढा है सोखता वाला, जो पानी को तालाब है हमारा और उधर जाता नालियों में बंद, वो गड्ढा बनवाया है। पंचायत को बताई दिया और नल से ही कराए हैं। इसके बाद में जो पुराने सामूहिक शौचालय पर कुछ टाइल और बाकी काम जो रह गया था, जो गड्ढे टैंक फंसने, वो हमने सही कराए हैं पिछले प्रोग्राम के अधूरे काम। अच्छा ठीक। और प्रधान जी, जैसे कि आपने यहाँ पे इंटरलॉक और खरंजा वगैरह क्या क्या कराया है? खरंजा इंटरलॉकिंग गांव में कराई है करीब 150 मीटर। अच्छा, और खाड़िया में हो गई करीब 200 मीटर के करीब। इतनी करा चुके हो? हाँ, ये नरेगा के अंतर्गत। अच्छा, नरेगा। हाँ, देख रहे हमारी। तो प्रधान जी, नरेगा में क्या कार्य चल रहा है? प्रधान जी, क्या होता है जैसे कि जब मजदूर कार्य कर रहे थे, तो आपको जानकारी में होंगे कितने काम किया है? वो लिस्ट कई काम है, नालियों के, वाके, चक्रों के। अच्छा, तो पूरी जानकारी तो नहीं। कितने काम कर रहे थे मजदूर ऐसे? 35, 40, 50। अच्छा, किसी दिन 60, 70 ऐसे भी हो जाते। अच्छा अच्छा। तो प्रधान जी, जैसे कि आप पहले प्रधान थे, उन्होंने कुछ नहीं कराया विकास? नहीं कराया, उन्होंने भी कराया है जी, खरंजा भरंजा अभी कराए। उन्होंने भी कराया। तो प्रधान जी, जैसे कि पंचायत घर है, तो आपने कुछ काम वगैरह कराया पंचायत घर या नहीं है? पंचायत घर का बताया था, मैं भी कराया काम उसका, बाउंड्री वॉल। अच्छा, और टाइल्स लगवाई है, छत सही करवाई है वो आपने? हाँ हाँ। अच्छा, और लैट्रिन बाथरूम है और उसमें नल लगा हुआ है। नल लगवाया, लगा हुआ लगा मैं नहीं लगवाया आपने लगवाया है? हाँ, तो मतलब टाइल्स वगैरह मतलब आपने बनवाया है? अब क्या चल रहा है पंचायत घर में? पंचायत घर में आज तो टीकाकरण हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो अभी तो वैक्सीन वगैरह हुई नहीं है, क्या चक्कर है? वैक्सीन हो गई है 2-3 बार, कई बार हो गई है। क्या तो मतलब वैक्सीन अभी पूरी हो ही नहीं पा रही है फाइनल? नहीं नहीं, हो गई है जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनके आज प्रोग्राम चल रहा है, उनके चल रही है वैक्सीन। एक एक दो दो लग गई है और बाकी दोबारा लग गई। तो प्रधान जी, आप यहाँ स्कूल कितने तक है? 8th तक है स्कूल। तो प्रधान जी, फिर स्कूल में आपने कुछ काम वगैरह, कुछ शौचालय वगैरह या पानी कुछ कराया? उसमें सबमर्सिबल डलवाई जो नल खराब हो गया था, और सोखता वाले गड्ढे बनवाए दो। कितना काम उसमें, कितना कराया? तो प्रधान जी, स्कूल में 8 तक स्कूल था, आगे बच्चे कहाँ पढ़ने जाते? आगे सोने जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल है उनमें चले जाते हैं। तो सोने यहाँ से कितने किलोमीटर है? सोने 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जाते। तो प्रधान जी, गांव में होना चाहिए हाई स्कूल इंटर का? तो हाँ, इतना होना चाहिए, होना चाहिए। फिर आपकी हमारी राय हो जाए, ज्यादा बढ़िया।
अच्छा एक रिक्त हमारी जगह सुगुरवार की आंगनवाड़ी भी चल रही है। अच्छा। वो अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। नहीं, नहीं नहीं पहले इससे पहले जगह निकली थी हारिया का नाम ही नहीं था। तो जीतने के बाद ही कराया। पौधे पौधे लगवा के 3,500 निकले। 3,500 पौधे लगवा चुके। 3,500 तो 3,500 पौधे कहाँ लगवाए? तालाब पे लगवाए, स्कूल में लगवाए और खाड़िया में भी लगाए, कुछ प्राइवेट आईडी बनवाई, लोगों की भी लगवाए। तो इस समय पौधे सब सही सलामत है? पौधे सही सलामत नहीं है, ज्यादातर वैसे ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए वो चाहिए जाल गमले से, क्योंकि बच्चे बच्चे उगाड़ जाते हैं। तो पौधे 3,500 में से कम 50 जितना हो हर साल पैसा वेस्ट होता है, ये हर साल लगते हैं, गवर्नमेंट लगवाती है और वैसे ही चले जाते हैं, प्रत्येक साल की बात है। पेंशन तो प्रधान जी जैसे कि आप स्कूल में कितने बच्चे हैं? इधर सुगरवा स्कूल में बच्चे होंगे 200-250 करीब होंगे। और आपके यहाँ काम प्राइमरी में? प्राइमरी में तो बता रहा हूँ, प्राइमरी बता रहा हूँ, 250-300 बच्चे हैं। तो प्रधान जी टीचर कितने हैं? टीचर तो पूरे कितने पूरे पाँच शिक्षा मित्र सब 6 हैं। दो चार बार किया है, बढ़िया खाना, गुणवत्ता का बढ़िया। तो प्रधान जी इस गांव की जनसंख्या जनसंख्या होगी वोट तो 1500-1600 से जनसंख्या होगी। पर जनसंख्या इतनी कम है दोनों गांव की? हाँ ऐसी होगी और ज्यादा नहीं होगी। तो फिर जान प्रधान जी फिर महिला कितने महिला कितने पुरुष है? महिला पुरुष मैंने जा विधानसभा के में तो 12 काम था रात 12 वोटों का। अच्छा। मेरा 12 कम थी4-5 गांव में होंगी। बनने के बाद देख लीजिए पूरी तो वहाँ में अब ज्यादा जरूरत ना है। अच्छा। थोड़ी सी है तो तनाव की वजह से इसके बाद में। तो प्रधान जी विकलांग है कुछ काम में? विकलांग है दो तीन। दो तीन तो आपने विकलांगों के लिए कुछ पेंशन वगैरह की या रिक्शा वगैरह करवाई जो? नहीं नहीं अभी नहीं। क्यों? कोई ऐसी वही नहीं आई योजना योजना तो। क्यों नहीं आई आज योजना? नहीं आपके इधर योजना नहीं है? हमें तो बताया नहीं हमारे सचिव ने। अच्छा क्योंकि फार्म वगैरह भर चुके हैं और विकलांगों को रिक्शा भी मिल चुके हैं और जगह तो मिल चुके हैं। इतना रिक्शा लायक नहीं था कोई। अच्छा अच्छा एक आया था एक पंचायत में सचिव ने बताया तो ऐसा आदमी नहीं था तो वो रिक्शा लायक। तो प्रधान जी विकलांग कितनी परसेंट पे होना चाहिए जिससे पेंशन मिलती है? विकलांग होना चाहिए 70% तक होना चाहिए। 40 से तो पेंशन बनी जाती है। हाँ हाँ। तो प्रधान जी राशन कैसा बट रहा है? राशन ठीक नहीं मिलता। ठीक नहीं मिलता मतलब बताओ कैसा? मतलब ये वो राशन डीलर जो है वो हमारा नहीं कर रहा। अच्छा। अपने हिसाब से बांटता है और लगभग 1 किलो काटता है एक कार्ड पे। एक किलो रिफाइंड रे एक किलो। अरे नहीं काट का कटिंग कितनी करता है? एक यूनिट पे 1 किलो मतलब
हैं चार किलो तो प्रधान जी फिर मतलब जनता की शिकायत आती है आपके पास? हाँ, जनता की भरपूर शिकायत आती है। तो फिर आप बोलते तो क्या कहते हैं आपसे? हाँ, सब ऐसे हो रहा है, ये वो ऐसे, मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि प्रधानों का तो जिसमें से अधिकारी साधन कर दिया राशन में से। पहले वो लिस्ट बन के जाती थी तो जैसे राशन डीलर राशन लाता था और बांटता था तो हमारे साथ होते थे, लेने जाता था तो हमारे साथ होते जाते थे, तो वो सिस्टम खत्म कर दिया है। तो ज्यादातर अपनी मनमान कर रहे हैं। तो प्रधान जी और कुछ कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप जो कुछ कहना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। और बात यही बात है और विकास विकास की बात ऐसी है कि जैसे और आपको कोई सुनवाई नहीं हो रही होगी ब्लॉक से या कोई ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पैसे की बात है, पैसे खाते में आएंगे तो विकास होगा। विकास होगा, सही बात है। ऐसी और कोई बात ना, ब्लॉक की कोई शिकायत नहीं, किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत तो नहीं है। नहीं, ऐसा तो राशन तो महीने में दो बार ही दे रहे होंगे वैसे? हाँ, दो बार दे रहे हैं पर ये तीन पर चार किलो दे रहे हैं, ये गड़बड़ हो रही है। नाम नाम क्या डीलर साहब का? गिरिराज सिंह, कहाँ पे बैठता? खाड़िया। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।